बहराइच में आदमखोर भेड़िये ने एक बार फिर से अटैक किया है और इस बार भेड़िये ने यादवपुरवा गांव में अटैक किया है। आदमखोर ने 8 साल के बच्चे पर हमला किया है। यह हमला उस वक्त हुआ जब बच्चा खेल रहा था, पूरा परिवार घर में ही था। भेड़िये के हमले में बच्चे की जान बाल बाल बची है। हालांकि बच्चे को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। बच्चे के चेहरे पर पट्टियां बंधी हुई है। डॉक्टर के मुताबिक बच्चा अभी खतरे से बाहर है। भेड़िये के हमले से पूरा गांव दहशत में आ गया है। उसको समस्त प्राइमरी ट्रीटमेंट दिए जा चुके हैं और 10 साल का लड़का है, संगम लाल नाम है उसका। और क्या कहते हैं, जो ब्लीडिंग साइट थी उसको भी हम लोगों ने सूचर से क्लोज करवा दिया है ताकि ब्लीडिंग ना हो, क्योंकि ब्लीडिंग थी वहाँ पे। प्राइमरी ट्रीटमेंट सब है, अभी स्थिति उनकी बिल्कुल कंट्रोल में है। कहाँ कहाँ पर घाव हुए हैं और कितना खतरनाक हो सकता है? घाव उसके चेहरे पे हैं और थोड़ा सा चिन के नीचे हैं उसके घाव। मेजर हो सकता था ये अगर इसकी जगह थोड़ा सा ऊपर नीचे होती तो। फिलहाल स्थिति अभी कंट्रोल में पूरी तरीके से। भेड़िये के हमले में घायल हुए बच्चे को गांव वालों ने अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर बच्चा भी खतरे से बाहर है। हमारे संवाददाता ने बच्चे के पास मौजूद उसकी माँ और परिवार वालों से बातचीत की। मेडिकल कॉलेज के इस वार्ड में एडमिट कराया गया है। आप देख सकते हैं ये वो 8 से 10 साल का बच्चा है जो आज शाम अपने घर के बाहर मौजूद था, लेकिन उसी वक्त आदमखोर भेड़िये ने इस पर हमला किया, जानलेवा हमला किया। मौके पर इसके परिजन मौजूद थे जिन्होंने जी कुछ पुकार लगाई, उससे बचाने की कोशिश की, जिसके बाद इसकी जान बची। इस वक्त आप कौन है इनकी, संगम की माँ है? कहाँ थे पूरी बात बताइए, कैसे हमला हुआ? हम भीतर पहुड़े रहन अंगना में ही हाँ। और यू अंदर से खेलत रहे तो अंदर से बाहर बिटिया बैठी रहे और सास हमरे बैठी रहे, वो बाहर का निकरा यू दरवाजे पर यहाँ नोच खेस बाहर, जैसे नोच पकड़ी तैसे चिल्लान बड़ी जो सब दौड़ी बस भाग ली। जैसा कि आपने सुना, आप कौन है? हम बड़ी महान का। आप कहाँ थी उस वक्त? हम वहे तिरहन, हाँ वहे तिरहन सर, जैसे ये चिल्लाना जैसे हम सब लोग दौड़े लुहोय लुहोय करे लगे लाठी डंडन से तो भेड़िया भाग लिया। घर का दरवाजा उस वक्त खुला था? हाँ घर का दरवाजा खुला रहा है सर। तो जैसा कि आपने देखा कि अब जो भेड़िया है वो गांव से बढ़कर शहर की ओर चल बड़ा है, वहां पर वो अटैक कर रहा है, जिसके चलते न सिर्फ ग्रामीण बल्कि शहर में रहने वाले लोग भी इस हमले के बाद काफी खौफजदा हैं। भेड़िये ने अपने खूनी पंजे जिस गांव में रखे, न्यूज 18 की टीम भी वहां पर मौके पर पहुंची। भेड़िये के हमले में घायल बच्चे को उसकी बहन ने बचाया था। न्यूज 18 ने उस बच्ची से बातचीत की जो अपने भाई को भेड़िये के पंजे से बचा पाई। बहराइच में लाख कोशिशों के बावजूद आदमखोर भेड़िये का आतंक लगातार जारी है, जिसके चलते भेड़िये ने एक बार फिर एक बच्चे पर हमला किया है। इस वक्त मैं उसी यादवपुर गांव में खड़ा हूं जहां पर अब से कुछ देर पहले इस आदमखोर भेड़िये ने हमला किया है। आप देख सकते हैं कि यह वही स्थल है जहां पर ये बच्चा मौजूद था और उसके बाद सामने से जो ये आप देख रहे हैं, यहां से बताया जाता है कि ये भेड़िया सामने आया और यहां पर मौजूद बच्चे को ले जाने की कोशिश की। उस दौरान इस बच्चे के साथ उसकी बहन भी मौजूद थी, जिससे बात करेंगे। कैसे भेड़िया आया, कहाँ थे आप, पूरी बात बताइए। जिसे अरे को हम पानी भरे थे, वहाँ पर दादी बुलाए गए थे तो वो भेड़िया जिसे इधर से आया, फिर उका झपट ली, फिर हम पानी भरते रहे, फिर उका देखे तो हम दौड़ के उके पास गए तो वो भेड़िया छोड़ के उका चल दी, फिर वो बहुत रोवे लग तो हम उके बचाए, तभी भी उका बचाते बचाते भी यहीं चोट लग गए, मतलब काट ली और फिर नटई थी काट ली, मतलब बहुत घबराए गए, फिर हम भी काफी घबरा गए। कहाँ पर हुआ था जरा दिखाइए, आप देख सकते हैं कि बताया जाता है कि वो लड़का जो है यहीं पर खड़ा था और यहीं से वो भेड़िया खींच कर ले जाने की कोशिश कर रहा था। वहाँ पर रहे थे नल पे, जिसे हुआ से आए हम तब हुआ पे ही से, मतलब जिसे भैया माँ अंदर का पैर धरी से तैसे भेड़िया खींच के यहाँ पकड़ दी से वो फट दे गिर गया, चिल्ला लगा, फिर ऊपर से चढ़ गया। फिर हम सोचन के इसे आपस में झगड़ा बहन भाई करते हुए है, फिर उसके बाद में हम देखे तो हम देखे न, मतलब जिसे इतना बड़ा रहा खूब बड़ा से, तो हम सोचन की कुत्ता जिसे भेड़िया है, तो हमको लगा की कुत्ता हो तो भगावत होता है भैया, बस वो पहुंचा नोच के फिर चला गया। फिर वो चिल्लाए लग कि दीदी बचाओ हम मर गए, मतलब हमका अब ना बचा पियो,
बहुत तेज चिल्लाए लगा तो हम फिर उसके पास आए देखें तो वो छोड़ के ऐसा मतलब जंगल का भाग गया। फिर हम अपने भाई का संभाले, फिर मम्मी और घर से आ गई, फिर मतलब सबको रोए लगे, फिर धीरे धीरे हम खूब चिल्लाए तब पूरा गांव फिर इकट्ठा हो गया। घर की जिस जगह पर आदमखोर ने बच्चे पर अटैक किया वहां पर हमारी टीम भी पहुंची, ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट देखिए। भेड़िया है वो एंटर किया था यहीं पर, वो बच्चा घुसने का प्रयास कर रहा था लेकिन घुसने से पहले ही आप देख सकते हैं कि उस बच्चे को यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लड के कुछ स्पॉटेड यहाँ पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि जैसे ही भेड़िए ने उसको पकड़ा वैसे ही वो भागने की कोशिश की, गंभीर रूप से घायल हुआ। जिसके बाद आपने सुना कि जब जो परिजन थे उन्होंने बचाने की कोशिश की। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये लोग बता रहे हैं कि यहीं पर मौजूद था लड़का, जैसे ही उसने घुसने की कोशिश की वैसे ही उसने उसको पकड़ लिया, उसको ले जाने की कोशिश कर रहा था लेकिन आसपास के लोगों की चीख पुकार सुनने के बाद वो भेड़िया यहाँ से भागने में कामयाब हो गया। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो गांव है इसकी शहर से दूरी महज 7 से 8 किलोमीटर है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक ओर जहाँ वन विभाग इस आदमखोर भेड़िए को पकड़ने के लिए 3 सेक्टर बनाए हैं, वो सेक्टर यहाँ से करीब 20 से 25 किलोमीटर हैं। ऐसे में अगर ये आदमखोर भेड़िया अब शहर के पास पहुंच चुका है तो आने वाले दिनों में न सिर्फ वन विभाग बल्कि जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन के साथ बहराइच शहर के लोगों की भी एक बड़ी मुसीबत बढ़ सकती है। कैमरामैन रवि गुप्ता के साथ राजीव प्रताप सिंह, News18 बहराइच। यूपी के बहराइच में बीते 2 महीने से भेड़िए की वजह से दहशत का माहौल है और बहराइच के गांव में आए दिन भेड़िए देखे जाने की वजह से लोगों में खौफ है। भेड़िए के हमले में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच कैसरगंज इलाके में एक भेड़िया देखा गया है। भेड़िए के देखे जाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। भेड़िया भाग रहा है निंदीपुर में, देखिए निंदीपुर विधानसभा में जंगली भेड़िए का आतंक, देखिए भेड़िया, देखिए देखिए